हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर के बारे में विस्तार से सीखेंगे। इन्वर्टेड हैमर हैमर का ही एक विपरीत यानी ऑपोजिट रूप है। यदि हैमर को उल्टा कर दिया जाता है तो वो एक इन्वर्टेड हैमर की शेप ले लेता है। तो हम समझेंगे कि इन्वर्टेड हैमर के आधार पर कैसे ट्रेड लिया जाता है और इसकी लोकेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर ग्रीन और रेड दोनों ही कलर में बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्वर्टेड हैमर में नीचे की विक्स बड़ी नहीं होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, और होती है तो स्मॉल साइज़ की ही होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर में कुछ देखने वाली बातें हैं कि ये एक स्मॉल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें लोअर शैडो होती नहीं है, और होती है तो एक छोटी लोअर शैडो वैलिड होती है और इसमें कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये हमेशा चार्ट के बॉटम में बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि सिंगल कैंडल में बनता है और ट्रेंड को रिवर्सल करने की क्षमता रखता है। इन्वर्टेड हैमर के अंतर्गत जो आपको ग्रीन और रेड जो एक कलर दिख रहा है, यहाँ पर इसकी बॉडी होती है तो इसको रियल बॉडी कहा जाता है, और इसकी जो टेल यानी पूंछ या विक्स होती है जो इसकी बॉडी का जो साइज है उससे दो गुना या उससे अधिक होनी चाहिए, और यहाँ इसका जो लॉन्ग विक होता है ये हाई होता है। और रेड हैमर ऊपर की तरफ से ओपन होता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है, और यहाँ पर इसका जो नीचे का शेप होता है दोनों ही हैमर में इसका लो होता है। ग्रीन हैमर नीचे की तरफ से ओपन होता है, ऊपर की तरफ क्लोज होता है। इन्वर्टेड हैमर बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और चार्ट के बॉटम में जाने के बाद में यदि इन्वर्टेड हैमर दिखाई देता है और जो भी नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करता है उस समय बाय किया जाता है और एंट्री की जाती है। इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि चार्ट में इन्वर्टेड हैमर किस प्रकार बनता है और ये बनने के बाद चार्ट में क्या इफेक्ट आता है, यानी ट्रेंड में क्या इफेक्ट आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है और चार्ट के बॉटम में जाकर आप ध्यान से देखें तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर बन जाने के बाद में जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाय की पोजीशन बनाएंगे। बाय का ऑर्डर पंच करने के बाद इन्वर्टेड हैमर के लो, जहाँ पर इसका लो है वहाँ का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ट्रेड इनिशिएट करने के बाद में एक अप मूव आता है। तो फ्रेंड्स, ये था इन्वर्टेड हैमर के विषय में पूरी जानकारी, और इस प्रकार के अन्य कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हम वन बाई वन एक के बाद में एक सीनिटी वाइज कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोज़ पोस्ट किए हुए हैं।